You're watching E9 News. ये जो याकूतपुरा रेलवे स्टेशन जो रैन बाजार डिवीजन में आता, पिछले 20 साल से ये रोड का ये हालम था कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज से 4 महीने पहले मैं इसका कंप्लेन जो कई बार एई से एस्टिमेट बनाने लगा है, डी से साइन होने के बाद भी इसका एस्टिमेट जोनल कमिश्नर ऑफिस से गोल कर दिया जा रहा था। ये बोलने की वजह यह है, याकूतपुरा स्टेशन के नए पिछले 20 साल से कई एक्सीडेंट हुए। एक बच्चे का मोहम्मद का हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर छोटी बच्ची 8 साल की एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में थी, कोई देखने वाला नहीं। उसके बाद मैं ये कंप्लेंट सीधा ट्विटर पे हमारे केटी रामाराव साहब, जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार साहब को मैं इस पर ट्वीट करा। केटीआर साहब रिप्ले विद इन 2 आवर्स के अंदर केटीआर साहब रिप्ले करें कि सो एंड सो जोनल कमिश्नर को इसके बारे में रिपोर्ट दिया, रजिस्ट्रेशन करो। वो 4 महीने के बाद जोनल कमिश्नर साहब को हम एस्टिमेट बना के लेके जाके मैं खुद मेरे लेटर पैड पे जोनल साहब कहने गया सैंक्शन के लिए। बोले तो जोनल साहब पूरा चेक करने लगा है। जोनल साहब खुद इंस्पेक्शन पे आए याकूतपुरा रोड पे आज से 1 महीना पहले। उसके बाद डीसी डिप्टी कमिश्नर मंगातारो मैडम को नोट पुटअप करके लिखो बोले, डीसी मैडम को बुला के पूरा नोट पुटअप करके ये अमाउंट 66 लाख रुपीस, जो फर्स्ट टाइम बोलते ना कोई, आजकल क्या हो गया हमारे कने मुरीदों का एमएलए साहब कारपेंटर साहब बोले तो ही सैंक्शन होता, उनकी साइन के बिना सैंक्शन होता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हैं कि कई, ये नहीं चंद्रानगर सादत नगर, कई अब तक के लाखों रुपए का सैंक्शन मैं ट्विटर कंप्लेंट से एस्टिमेट बना के सैंक्शन ले आऊँ। आप देख सकते हो हुसैनी बाग में सेवरेज लैंड डेनिश लैंड कई ट्विटर कंप्लेंट के ऊपर सैंक्शन आए हुए। बोलने का मतलब ये है, देखो ये काम कराना पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट बराबर है, आर्टिकल 51 पूरी आज़ादी दे रहा आम पब्लिक को काम करने की। आजकल हमारे याकूतपुर में ऐसा हो गया कि काम तुम कौन होते करने वाले। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपके कई मुरीद हैं, कल के दिन, कल 29, कल क्या 29 दिन ना, 29 के दिन DRF की गाड़ी स्प्रे होने के टाइम, स्प्रे करने के टाइम पे कई आपके मुरीद, आप रैन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर आके दुनिया का क्रिएट करे ऑफिसर को, DRF के ड्राइवर को, तेरी अम्मा की तेरी बहन की बोल के एक से गालियाँ दिए। बोलने का मतलब ये है हम ऑफिसर ना खुद परेशान हो गए। अरे भाई जब आ रहे सोशल वर्क का काम कर रहे हैं बोलते कि कारपोरेटर साहब MLA साहब हमारे को हरास कर रहे हैं। अरे क्या ये पाकिस्तान है क्या, ये रैन बाजार डिवीजन का ये हिस्सा क्या है, इसमें याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता। असद साहब से गुजारिश है, ये जो बग 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 करके ऑफिसरों को गाली गलोच करने वाले जो आपके इब्तदाई इंतहाई सदरा है, आप एक बार मीटिंग लीजिए। मैं खुद असदुद्दीन अवैसी साहब को कल 10 बार फ़ोन करा साहब मीटिंग में, बोले शेख इब्राहिम कई बार फ़ोन करे असद साहब को कि वीडियो बताएंगे गाली गलोच कैसा हो रहा, ये आम पब्लिक काम नहीं करा सकते क्या, आप खुद इतने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते, कुछ ये लोग को भी सिखाइए आप फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आज़ादी दे रहा काम करने के लिए, उसके बावजूद अन्य सरीय सोशल वर्कर कौन होते हैं। अरे क्या बात है, ये कॉमन सेंस नहीं है। अगर आर्टिकल 51 नहीं पढ़ते इनको पढ़ाइए आप, ना हक के लोगों को तकलीफ देना, ऑफिसरों को गालियाँ देना। GHMC AE है, अंसारी AE है, उनको एक 57 ईयर्स के AE की अम्मा की बहन की, रिसेंटली मैं जोनल अस्सी साहब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर GHMC के पूरे स्टाफ के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन करें क्या क्या प्रॉब्लम है रैन बाजार डिवीजन में। जैसा वो सोशल मीडिया पर वायरल होते कि पूरे ऑफिसरों को अम्मा बहन के गालियाँ देना, ये क्या तरीका है क्या, बोलिए आप। अरे आप काम नहीं करेंगे काम जो पब्लिक सोशल वर्कर को आगे पब्लिक करानी, तो उनको तो करने दियो। अरे GHMC कंप्लेन है, ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर है, ट्विटर कंप्लेन है, अरे पब्लिक सर्वेंट सबको रिस्पांस देना पड़ता। यहाँ पे ऐसा हो गया बादशाही हो गई, सिर्फ हम काम करते तुम काम करने वाले कौन है, या कोई तरीका है बताइए आप। उन्हें खींच ले रहे हाथों में आगे, कल कितनी की गड़बड़ करें हम, आप वीडियो वायरल भी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हम वीडियो डालें, आगे 10-10 लोगों का आना गाली गलोच करना, हाँ ये क्या तरीका है क्या कोई काम करने वाले को रोकने के लिए, आप ज़रा देखिए इस बारे में। कितने रुपए का काम सैंक्शन है? ये 66 लाख रुपीस अमाउंट सैंक्शन हुआ इसका, जो VDCC रोड है। 4 महीने में कंटिन्यू फॉलोअप डिप्टी कमिश्नर जोनल कमिश्नर से जो फॉलोअप के बाद अभी 66 लाख रुपीस सैंक्शन हुए। इसका एस्टिमेट कॉपी है, एस्टिमेट दिया जाए इसका एस्टिमेट कॉपी और टेंडर डिटेल्स मैं खुद इसी के लिए टेंडर लगाने लगाया। अभी एक एजेंसी को अलर्ट हुआ काम, अलहमदिल्ला काम भी स्टार्ट हो गया अभी। कौन सी गली एरिया कौन सा है ये? 8 से 10 दिन के अंदर पूरी रोड कंप्लीट हो जाएंगी। 500 मीटर की रोड है ये, 500 मीटर आधा किलोमीटर की रोड है, जो पिछले 2001 में पड़ी रोड आज पड़ रही है, शायद ही पूरे 100 जून में इतनी पुरानी रोड नहीं होंगी। जान मुझ के इन सर ये रोड को नज़रअंदाज करे अलहमदिल्ला। अभी हाँ क्या आप सामने नहीं करते, बहुत पीछे ऑफिसरों को गाली गलोच करना, उनके कॉल रिकॉर्डिंग है जो ऑफिसर को गालियाँ दे रहे हैं। कल अगर मैं खुद पार्टी की इज्जत करता हूँ, अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा ऐसा कोई कॉर्पोरेटर वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हुए, सदर साहब का नाम खराब होता। मैं वही नहीं चाह रहा हूँ कि ये लोग फंडामेंटल राइट जो है
उसको बराबर सब जने काम करना, आप भी काम करो। हम कभी नहीं बोलेगा कारपेंटर काम नहीं करना, हमारा करो बोल के। हम ऑफिसर को, मेरे कई कॉल रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ मैं, ऑफिसर को साहब पहले MLA साहब को प्रेफरेंस दो, कारपेंटर को दियो, बाद में सोशल वर्कर, आप कंप्लेन ट्विटर कंप्लेन है उनको बोलिए आप। अरे नहीं सिर्फ हमारा ही सुनना, ऑफिसर को अम्मा फिर निकाली। एवरी डिपार्टमेंट GHMC में स्टिक लाइट रहने दियो, एंटामोलॉजी रहने दियो, इंजरी रहने दियो, वाटर वॉश रहने दियो। अरे यहाँ तक कचरे वालों को, कल आके एक सुपरवाइजर को यहाँ पे कचरा उठा रहा तो पचकड़ा मार दिया उठा के, आप पचकड़ों की वीडियो देता हूँ मैं उठा के, ये क्या डरा के काम कराना डिपार्टमेंट को। आप सदर साहब से गुजारिश है इस बारे में, देखिए आप पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा देखे इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो सर आपने कुछ